हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे मज़े में होंगे और आपकी टर्म वन की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी आज का जो हमारा वीडियो है वो है एम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एम हम पढ़ने वाले हैं और उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो अपलोड होते साथ ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए सो क्वेश्चन वन इज़

ऐसा क्यों बिकॉज फॉर्म अगर हम नॉमिनल पार्टनर की बात करें तो बिना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करे भी वो पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर कर सकता है बिकॉज ही लेट्स हिज नेम टू बी यूज बाय द अदर पार्टनर्स तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है नॉमिनल पार्टनर का नाम यूज़ करती है उसके लिए नेसेसरी नहीं होता कि वो कैपिटल जो है वो भी इन्वेस्ट करे इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विद इन सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसिस इन द रेशियो थ्री टू दे कैपिटल वर वन लैख ट्वेंटी एंड टू लैख फोर्टी दे वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट टेन परसेंट पर एन एम द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ रुपीज एटीन थाउजेंड ड्यूरिंग द ईयर द इंटरेस्ट ऑन विद इट्स कैपिटल विल बी सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अब आखिर डी कैसे है अगर आप इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो जो विजिट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आएगा आपका ट्वेल्व थाउजेंड प्लस आप सीमा का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो आ गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड दोनों को मिलाकर आपका हो जाता है थर्टी सिक्स थाउजेंड यानी कि आपको जो आई ओ सी पे करना है वो करना है थर्टी सिक्स थाउजेंड लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो है सिर्फ़ और सिर्फ एटीन थाउजेंड जो यहाँ पर आपको दिया है सो so, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो होता क्या है कि जो भी आपका अप्रोप्रिएशन का रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है अब आपका इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आएगा वन रेशो टू तो अगर आप वन रेशो टू में से डिस्ट्रीब्यूट करें एटीन थाउजेंड को तो वो क्या हो जाएगा एटीन थाउजेंड इंटू वन अपॉन थ्री एंड एटीन थाउजेंड इंटू टू अपॉन थ्री तो ये निकल के आता है थ्री सिक्स जटीन यानी सिक्स थाउजेंड आपका निकल रहा है तो ये जो विदित है इसका शेयर क्या आएगा सिक्स थाउजेंड आएगा तो इसलिए आंसर जो है वो डी है सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता कि सीमा का शेयर क्या है तो उस केस में क्या होता इट वुड हैी ट्वेल्व थाउजेंड क्योंकि यहाँ आप पे आपका सिक्स से डिवाइड होगा तो थ्री सिक्स एटीन सिक्स टूजा ट्वेल्व उस सिचुएशन में आपका जो आंसर होता अगर सीमा का शेयर पूछा जाता तो इट वुड हैव बीन ट्वेल्व थाउजेंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन आशा इन दीप्ति और पार्टनर्स इन अ फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसिज इन द रेशियो थ्री वन

करना क्या है थ्री लाख ,00 का आप टेन परसेंट कैलकुलेट करिए और ये आ जाएगा आपका थर्टी थाउजेंड सिमिलरली आप दीप्ति का शेयर कैलकुलेट करिए दैट इज़ ट्वेंटी थाउजेंड यानी टोटल आपका बनता है फिफ्टी थाउजेंड आई ओ सी बट आपके पास तो आई ओ सी देने के लिए प्रॉफिट है सिर्फ ट्वेंटी तो आप ट्वेंटी को किस रेश में बांटेंगे थ्री टू में बांटेंगे तो ट्वेंटी थाउजेंड इन टू थ्री अपॉन फाइव And twenty thousand into two upon five. Distribute कर लीजिए सर five फोर जै twenty हो गया तो फोर थ्री जै ट्वेल्व यानी कि यहाँ पे आशा का जो share आ रहा है that is twelve thousand. And दीप्ति का जो share आएगा that will be eight thousand. और आपसे पूछा गया दीप्ति का share क्या है तो it will be eight thousand. Moving on to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु एंड कन्नू और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसिस इन द रेशो टू रेशो थ्री दे आर फिक्स कैपिटल्स वर टेन लैक एंड फाइव लैक रेस्पेक्टिवली दे वर टाइटल टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट टेन परसेंट पर है नम द फर्म ऑन द प्रॉफिट ऑफ रुपीज सिक्सटी थाउजेंड यूरिंग द ईयर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कन्ू विल बी अब अगेन सेम चीज़ है सेम आप यहाँ पर चेक करेंगे टेन परसेंट के रेट से इंटरेस्ट क्रेडिट होना है सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आपका मनु है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा वन लाख एंड सिमिलरली यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पार्टनर दैट इज़ कनू उसका हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड तो टोटल वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ आपको चाहिए आई के लिए बट प्रॉफिट तो सिर्फ सिक्सटी थाउजेंड है तो होगा क्या कि इस रेशियो में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट इज़ टू रेशियो वन क्योंकि अगर आप इसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो फिफ्टी थाउजेंड से टू टाइम्स आता है वन लाख तो इट विल बी टू रेशियो वन यानी कि आपका सिक्सटी थाउजेंड जो है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू अपॉन थ्री एंड वन अपॉन थ्री तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इट विल बी ट्वेंटी थाउजेंड तो यहाँ पे हो जाता है फोर्टी एंड अगेन हो जाता है ट्वेंटी तो मनु का शेयर है फोर्टी एंड कनु का शेयर है ट्वेंटी यहां पे आपसे पूछा गया कि कनु को कितना मिलेगा तो इट विल बी ऑप्शन ए ट्वेंटी थाउजेंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन मोहित एंड रोहित पार्टनर्स इन अ अ फर्म विद कैपिटल ऑफ एंड द फर्म प्रॉफिट थर्टी थाउजेंड ड्यूरिंग द ईयर मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी तो यहां पर आपको बताना है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा तो देखिए सिंपल सा फंडा है यहाँ पे आपको कोई रेशियो दिया नहीं गया है तो आप करेंगे क्या

ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले करना क्या होता है जो प्रॉफिट है उसको उसके ओरिजिनल रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पे आपके पास जो प्रॉफिट है दैट इज़ नाइन्टी नाइन थाउजेंड सो अब आप करेंगे क्या नाइन्टी नाइन थाउजेंड को सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओरिजिनल रेशो में दैट इज सिक्स बाय एलेवन फोर बाय एलेवन एंड वन बाय एलेवन अब अगर आप इसे करते हैं तो इलेवन नाइन से नाइन्टी नाइन हो गया तो ये था नाइन थाउजेंड सिक्स नाइनज़ा फिफ्टी फोर हो जाता है सिमिलरली यहाँ पे फोर नाइनज़ा थर्टी सिक्स हो जाता है और यहाँ लास्ट वाले के पास नाइन थाउजेंड आएगा बिकॉज नाइन इंटू वन अब अगर हम यहाँ पे देखें तो गारंटी जो थी वो किसको मिली थी जेड को मिली थी फिफ्टीन थाउजेंड की बट जेड का जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है नाइन तो यहाँ पे सबसे पहले डिफिशेंसी कैलकुलेट करी जाएगी फिफ्टीन थाउजेंड की गारंटी दी गई थी माइनस करेंगे हम उसमें से नाइन थाउजेंड जो इसको मिल रहा है तो उस हिसाब से सिक्स थाउजेंड रुपीज़ की डिफिशेंसी है अब क्योंकि इसको गारंटी किसने दी थी एक्स ने दी थी जो एक्स के में से सिक्स थाउजेंड माइनस हो जाएंगे और सिक्स थाउजेंड इसके में यहाँ पर आके ऐड हो जाएंगे तो जब आपके आपसे पूछा गया कि एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है तो वो क्या होगा फिफ्टी फोर माइनस सिक्स दैट विल बी फोर्टी एट थाउजेंड सो इट विल बी ऑप्शन सी 48,000. एट थाउजेंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन फोर सिक्सटी फोर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फॉर्म बट द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन. सो यहाँ पर सेक्शन 464 की बात हो रही है तो उस समय जो कंपनी है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो से, है उसने प्रिस्क्राइब करा कि मैक्सिमम 100 बट जो रूल टेन है आपका ठीक है अंडर रूल टेन जो है कंपनीज़ एक्ट का 2014 में उसको रिवाइज करा गया था तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते बट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 464 अगर पूछा जाए तो वहाँ पर मैक्सिमम नंबर जो है वो 100 हो सकता है इसलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी दैट इज़ हंड्रेड तो ध्यान रखिएगा सेक्शन फोर फोर प्रिस्क्राइब करता है हंड्रेड जबकि जो रूल टेन है 2014 में उसको अमेंडमेंट में लेके आया गया था तो जो रूल टेन है कंपनीज एक्ट का वो फिफ्टी प्रस्क्राइब करता है यानी मैक्सिमम जो है वो फिफ्टी हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द डैश एंड प्रिफरेबली रजिस्टर्ड विद द डैश बहुत सारे लोग माइंड में ये थॉट आ रहा होगा कि इसका आंसर पार्टनरशिप एक्ट 1932 है बट ऐसा नहीं है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टैंप ड्यूटी मतलब स्टैम्प एक्ट एंड रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म यानी कि जो पार्टनरशिप डीड होती है वो प्रॉपरली ड्राफ्ट करी जाती है और जो प्रोविजन्स स्टैंप एक्ट में मैंशन करे गए हैं उसके हिसाब से होता है एंड देन रजिस्टर किया जाता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म और यहाँ पे जो एप्लीकेबल है वो है आपका इंडियन स्टैंप एक्ट 1889 और पार्टनरशिप एक्ट तो आपको पता ही नाइनटीन थर्टी में है ध्यान so, रखिएगा कि जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है वो 1889 है मूविंग ऑन टू नेंट अकाउंट बैलेंस शोड रुपीज वन लैख फॉर ए क्रेडिट बैलेंस एंड बी फाइव डेबिट बैलेंस वेयर विल बीज करेंट अकाउंट बैलेंस बी शोन इन द बुक्स आपको दिए गए हैं लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन या फिर क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपिएशन अकाउंट और ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई ए और बी पार्टनर्स हैं फिक्स कैपिटल उनकी टू लाख वन लाख है और जब ईयर एंड में बैलेंसेज देखे जाते हैं करंट अकाउंट के तो ए का बैलेंस क्रेडिट में वन लैख और बी का डेबिट में बी का अकाउंट जो है शो हो होगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑन दी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट तो ध्यान रहे जब भी किसी चीज़ का बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है तो हमेशा आपको एसेट्स में दिखेगी सिमिलरली अगर किसी चीज़ का क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमेशा आपको लाइबिलिटीज़ में दिखेंगी यानी कि अगर वो एसेट्स या लाइबिलिटीज से रिलेट कुछ है प्रॉफिट एंड लॉस के साथ भी सेम चीज़ होती है तो अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट होगा और लाइबिलिटीज़ में होगा लॉस है तो डेबिट बैलेंस होगा और वो एसेट साइड में होगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रीति मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ थ्री टू वन प्रॉफिट ऑफ द लास्ट थ्री ईयर्स वर वन लैख फोर्टी एट्टी फोर वन लैख सिक्स रिस्पेक्टिवली दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक शेयर इक्वली इन ऑल द थ्री ईयर्स तो हो क्या है यहाँ पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है थ्री टू वन बट जो प्रॉफिट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इक्वली और ये प्रॉफिट्स आपको तीन ईयर्स के दिए हुए हैं अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये जो प्रॉफिट आपका थ्री ईयर्स का वो बन जाता है थ्री लैख थर्टी थाउजेंड यानी वन फोर्टी प्लस एटी फोर प्लस वन लैख सिक्स और जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया होगा इक्वली तो वो कुछ इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा यहाँ पर जो प्रीति है प्रीति को वन लाख टेन थाउजेंड मिले होंगे अब क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सबको वन लाख टेन ही मिल गए होंगे वन लाख टेन वन लाख टेन वन लाख टेन ये एक टाइप से पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है आपने अगर पास एडजस्टमेंट्स करा है तो आपको पता होगा कि कैसे सॉल्व होता है अदरवाइज आप हमारे चैनल पर पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोज भी देख सकते हैं जहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अब क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था रॉन्गली तो मैं इसका साइन कर दूंगा यहाँ पर डेबिट क्योंकि हम ऐसे कैंसिल कर रहे हैं एंड देन करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात आती है थ्री लाख थर्टी तो जब वो करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था थ्री टू वन में तो वो होता वन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड एंड वन लैख टेन थाउजेंड एंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड इसका जो साइन होता वो होता क्रेडिट यहीं से आपको नेट इफ़ेक्ट मिल जाएगा अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है फिफ्टी फाइव थाउजेंड यहाँ पर आपको मिलता है डैश और अगेन यहाँ पे आपको माइनस करके मिलता है फिफ्टी फाइव थाउजेंड साइन की अगर हम बात करें जिसका साइन ज्यादा होगा उसको हम यूज करेंगे तो यहां पे क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो इसलिए क्रेडिट साइन हो जाएगा यहां पे तो डैश है और यहां पे डेबिट बैलेंस ज्यादा है इसलिए डेबिट हो गया तो अब जो एंट्री बनेगी वो बनेगी निशा अकाउंट डेबिट टू प्रीति तो आप यहां देख सकते हैं निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीति विथ फिफ्टी फाइव थाउजेंड्शन ए इज द करेक्ट आंसर सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये पास जिसमें का क्वेश्चन है मूविंग ऑन टू नेक्स क्वेश्चन दिस इज एक्स वाई जेड शेयर द प्रोफिट ऑफ रुपीज़ सेवेंटी फाइव थाउजेंड एन द रेशो ऑफ टू टू वन बट द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेरी एक्जिस्टिंग एंट्री तो भाई यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई है कि एक्स वाई जेड तीनों ने क्या किया सेवेंटी फाइव थाउजेंड की प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है टू टू वन में जबकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस बारे में कि किस रेशियो में जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है ऑब्वियसली जो प्रॉफिट्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू टू वन में सो so अगेन कुछ ऐसा ही सिनेरियो बनता है यह है एक्स यह है वाई और यह है जेड तो यहाँ पे जब टू टू वन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा प्रॉफिट तो वो हुआ होगा थर्टी थर्टी फिफ्टीन तो यहाँ पे आ जाता है थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड एंड फिफ्टीन थाउजेंड अगेन क्योंकि ये रॉन्ग प्रॉफिट है तो हम इसको डेबिट कर देंगे बिकॉज करेक्ट वाले को हम क्रेडिट करते हैं अब इक्वली अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देन इट विल बी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ई एन एस का जो साइन होगा दैट विल बी क्रेडिट अब आप नेट इफ़ेक्ट यहीं से निकाल लीजिए माइनस करिए आपको मिलता है फाइव थाउजेंड यहाँ पर भी आपको मिल जाता है फाइव थाउजेंड और यहाँ पर आपको मिलता है टेन थाउजेंड अगेन साइन की बात करें तो यहां पे डेबिट के अमाउंट ज्यादा है तो इट विल बी डेबिट यहां पर भी डेबिट के अमाउंट ज्यादा है तो यहां पे भी डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट के अमाउंट ज्यादा है तो इट विल बी क्रेडिटेड तो एंट्री क्या बनेगी एक्स अकाउंट डेबिट वाई अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट तो एक्स वाई डेबिट विथ फाइव थाउजेंड एंड क्रेडिट होगा जेड टेन से तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन अफार्म कैन हैव मिनिमम टू With maximum 50 partners, the limit of two partner flows from the definition in the Partnership Act 1932. Maximum limit of partner is also prescribed in the Partnership Act 1932. तो so, भाई reason assertion जब भी आप solve करते हैं आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले चीज़ इसने बोला कि firm can have minimum two partners and maximum 50. तो ये assertion तो सही है कि भाई minimum two और maximum 50 हो सकते हैं। रीज़न की अगर हम बात करें तो कहता है कि जो लिमिट है टू पार्टनर्स के फ्लोज फ्रॉम द डेफिनेशन इन द पार्टनरशिप एक्ट ये भी सही है इतना पोर्शन लेकिन आगे लिखा है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर प्रिस्क्राइब्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन नहीं करी गई है सो so, इस केस में क्या हो जाएगा कि आपका असर्शन तो करेक्ट है बट रीज़न जो है वो करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज नॉट करेक्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रोफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल तो भाई पार्टनरशिप की जो ये डेफिनेशन दी गई है ये असर्शन तो सही है रीज़न इट इज़ डिफाइंड इन द पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू तो यहाँ पर रीज़न आपको दिया गया है कि पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू में ये चीज़ डिफाइन करी गई है अब अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो पहली चीज असर्शन इसका सही है रीजन भी सही है और रीजन ही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है सो so, इसका जो ऑप्शन होगा या आंसर होगा वो है ऑप्शन बी बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्टनरशिप इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम द पार्टनर्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट

बिकॉज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इससे कुछ ज़्यादा है यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इट इज़ ए सेपरेट एंड डिस्टिट एंटिटी फ्रॉम द पार्टनर्स ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो फॉर्म के व्यू पॉइंट से रिकॉर्ड करे जाते हैं बट एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है एट इज़ बेट डिफरेंट तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन एट सो दैट्स ऑल इन टूडेज़ वीडियो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि हम और वीडियोज़ लेके आएँ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो